नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे, आज न कल कुछ अच्छा ही होगा। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो बेसिकली हम कॉलेज की बातें कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं अपनी बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप जब बताते हो कि भैया इस पर वीडियो बना दीजिए, कुछ थोड़ा बहुत इस पर आप प्रकाश डालिए, तो हम उस पर डालते हैं। आज का वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। दो चीज़ें जो मैं सजेस्ट करूँगा हर किसी को करनी चाहिए जब आप कॉलेज में रहते हैं खास करके। देखिए, एक चीज़ जो है हमेशा याद रखना कि कुछ हैबिट जो अगर आप बनाओगे ना, उस हैबिट से जो रिज़ल्ट आएंगे वो रिज़ल्ट आपको लॉन्ग टाइम के बाद दिखेगी। इसी को एक एक चाइनीज़ बॉम्बू ट्री की एक स्टोरी है, मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि एक बांस का पेड़ होता है जो कि ज़मीन के अंदर रहता है और वो फिर ग्रोथ नहीं करता है, बहुत टाइम तक ग्रोथ नहीं करता है, बट ज़मीन से जैसे ही बाहर निकल के आता है तब उसका ग्रोथ रेट जो होता है वो एक वीक में वो कई फुट वो हो जाता है, ग्रोथ उसका हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है, कुछ हैबिट जो होते हैं हमारे, वो हैबिट जब आप अपने कॉलेज के दिनों में उसको आप इनकलकेट करोगे तो वो हैबिट से जो फल होगा, उस हैबिट से जो आप में परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन आपको कुछ सालों के बाद दिखेगी। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो दो हैबिट जो आपको ज़रूर 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 करनी चाहिए, क्योंकि मैंने उस हैबिट से बहुत कुछ फील किया है जो कि आज भी वो महसूस होता है कि ये सब उन दिनों जो मैंने काम किया है उसी का नतीजा है कि ये मुझे बहुत सारी चीज़ें आसान नज़र आती हैं। चीज़ें दो चीज़ें मैं बताऊंगा। पहला, एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालो, आर्टिकल्स पढ़ने का आदत डालो। अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज के लाइब्रेरी में आपको न्यूज़पेपर आता होगा, हॉस्टल में न्यूज़पेपर आता होगा। अक्सर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं, छोड़ देते हैं। अगर हॉस्टल में भी न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी न्यूज़पेपर का एक पेज होता है जिसको हम एडिटोरियल कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैं अभी बताऊं तो अभी भी जिस पेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस टाइप का आपका पेज होगा। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर लेते हो तो वहां पे हिंदी लोगे तो इस टाइप का कुछ पेजेस होंगे। हर पेपर में होता है, इंग्लिश हिंदी हर पेपर में होता है, जिसको हम संपादकीय कहते हैं। इस संपादकीय को पढ़ने की आदत डालो। आप गेट की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रह रहे हो, कहाँ कुछ कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आर्टिकल संपादकीय आपको पढ़ना चाहिए अगर आप कॉलेज में हैं, और वो आदत आपको बिल्ड करना ही चाहिए अगर आप कॉलेज में हैं तो, क्योंकि उससे आपका दिमाग का जो एनालिटिकल कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होता है, आपको आपकी सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ती है, आप मल्टी डायरेक्शनल सोच पाते हो, अलग अलग तरीके से सोच पाते हो, आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभी सोच पाते हो। तो पहला चीज़ कि जब आप कॉलेज में हैं तो आप न्यूज़पेपर में संपादकीय जो एडिटोरियल है उसको ज़रूर 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 पढ़िए। आप अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप क्या कीजिए कि जब आप कॉलेज में हैं, लाइब्रेरी में गए, फ़ोटो खींच लिया और उसको अपने रूम पर आके आप पढ़िए, पहला काम ये। चूँकि संपादकीय आप डेली पढ़ोगे, बीच बीच में छूट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि छूट गया तो बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी छूटना भी चाहिए। हम हर रोज़ नहीं पढ़ सकते बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको करंट अफेयर्स नहीं करना है, फिर भी आपको वो चीज़ पढ़नी चाहिए। अगर आप इंग्लिश समझ पाते हो तो इंग्लिश, हिंदी समझ पाते हो तो हिंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में आराम से पढ़ सकते हो। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ में आती है तो आप एकदम से हिंदी में पढ़ो संपादकीय, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश में संपादकीय पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आएगा, अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग, अच्छी किताबें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, उसको बार बार समझना पड़ता है, खास करके अच्छी किताबें और अच्छे लोग एक बार में नहीं समझ में आएगी आपको। तो अगर आप, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में उसका प्रॉफिट दिखेगा। तो पहला काम कि संपादकीय आपको पढ़ना है कॉलेज के टाइम में, आदत डालनी है, और दूसरा कि सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ोगे, पहले ट्राई करो कि 3 महीने में एक सेल्फ हेल्प बुक को ख़त्म करना है, फिर धीरे धीरे हर महीने आप सेल्फ हेल्प बुक को ख़त्म करने लगोगे एक एक, और उसका एक पाइलअप हो जाएगा आपके घर में, बहुत सारा बुक पढ़ोगे। आपको जो भी बुक दिखता है कि सेल्फ हेल्प बुक कोई सजेस्ट करता है पढ़े, एकदम से पढ़ ले। सबसे पहला सेल्फ हेल्प बुक तो भगवद गीता है, जो हर बच्चे के रूम में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बहुत बुरी बात है, आपको जरूर खरीद लेनी चाहिए।
आप उसके बाद सेल्फ हेल्प बुक में एटॉमिक हैबिट है, काफ़ी खूबसूरत बुक है। सेल्फ हेल्प बुक क्या होता है, जिसमें कि आपका माइंड कैसे काम करता है, आपका दिल कैसे काम करता है, आपका एटीट्यूड कैसे बदल सकता है, आप गोल ओरिएंटेड कैसे बन सकते हो, इनर मोटिवेशन क्या होता है और आउटर मोटिवेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप उस बुक में आप समझ सकते हो। जैसे आप जब मैं ट्वेल्थ में था तब मैंने एक बुक पढ़ी थी थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की था नेपोलियन हिल, हाँ शायद नेपोलियन हिल ने उसको लिखा था। और वो मैं 2014 के टाइम में मैंने संदीप महेश्वरी सर के वीडियो में उस बुक का चर्चा देखा था, थिंक ग्रो एंड रिच नेपोलियन हिल की, तो मैं उस समय उस बुक को पढ़ा था और नहीं समझ में आया था। लेकिन अब जब उस बारे में सोचता हूँ तो अब समझ में आता, अच्छा ये चीज़ें लिखी हुई थी। रिच डैड एंड पुअर डैड जैसे बुक्स हैं, सेवन हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, काफ़ी अच्छी बुक है। आपको सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी चाहिए अपने कॉलेज टाइम में। तो अगर आप अपने कॉलेज में हैं तो दो काम आप कीजिए, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना अलग बात है, आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, आप ESC की तैयारी कर रहे हैं, PSU में जाना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी की SSC की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, नो मैटर, बट यू शुड इनकलकेट सम हैबिट इन योर लाइफ व्हिच विल आई मीन आपको लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट दिखेगा। ओके, सो होप करते हैं कि इन दो चीज़ों को आप ज़रूर करोगे। ऐसे बहुत सारे भी टॉपिक्स हैं जो कुछ बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करके बोले हैं कि भैया इस टॉपिक पे आप ज़रूर वीडियो बनाएं, हम ट्राई करेंगे उस पे बनाने के लिए। अभी के लिए फ़िलहाल थैंक यू, बेस्ट विशेज़।